यूपीपीएससी अभ्यर्थियों का लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। दरअसल यूपीपीएससी की सुस्त और लचर कार्यप्रणाली से अभ्यर्थियों में गुस्सा यहां पर देखने को मिला है। पिछले सालों में जिस तरह से भर्तियों में रोक लगने से अभ्यर्थी परेशान है, तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं अब इन अभ्यर्थियों का देखने को मिला है। तो यूपीएसएससी की जो सुस्त और लाचार कार्यप्रणाली है, उसका गुस्सा, उसका रोष इन अभ्यर्थियों का देखने को मिला है। और इसी को लेकर प्रदर्शन यहां पर लखनऊ में एक, और उस प्रदर्शन की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, काफी वक्त से हालांकि इन अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है, कोई राह आखिरकार अंत में मिल नहीं रही है, तो फिलहाल क्या आह्वान इन लोगों की तरफ से किया गया है? जी बिल्कुल, अगर हम यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो इस आयोग के जो भी भर्तियां आती हैं वो अधर में लटक जाती हैं, चाहे वीडियो की भर्ती हो, चाहे किसी कनिष्ठ सहायक पद की भर्ती हो, चाहे लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती हो, ये जितनी भी भर्तियां आती हैं किसी न किसी रूप में अटक जाती हैं। और इसी का नतीजा है कि इन अभ्यर्थियों में जिनको अपनी तैयारी करनी चाहिए थी वो आज यहाँ पर पिकअप भवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनकी मांगे भी जायज हैं, क्योंकि जब से सरकार बनी 2017 की बात करें, 2017 से अभी तक जैसा कि अभ्यर्थियों का दावा है कि किसी भी पद का फाइनल नियुक्ति नहीं हुई है। वही और जैसे तमाम पद ऐसे वीडियो है, वीडियो की अभी बता रहे हैं अभ्यर्थी यहाँ के कि वीडियो की वैकेंसी आई थी 2018 में आई थी, और जब इसका अब फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट के बाद भी 400 लोगों को निकाल दिया गया कि ये कह के कि अभी जांच चल रही। तो ये जांच के नाम पर जो आयोग की ढीला जो कार्यप्रणाली में कमी आती है, उस वजह से यहां पर ये अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ महज एक दिन का प्रदर्शन है, क्या एक चेतावनी के तौर पर हम कहें इस प्रदर्शन को? जी नहीं, इस तरह के प्रदर्शन आप जो आयोग के दफ्तर के नीचे आप अक्सर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर कोई ना कोई भर्ती को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जब भर्तियां आती हैं उसके बाद में परिणाम में देरी होती है या किसी प्रकार की धांधली की समस्या को लेकर भर्तियां रद्द हो जाती हैं। हाँ, हालांकि आज की बात करें तो आज तमाम संख्या में अभ्यर्थी आए हैं और वो विभिन्न विभिन्न भर्तियों की एक साथ रूप, यानी कि आने वाले वक्त में चंद्रमणि हो सकता है कि जो अभ्यर्थी हैं वो और ज्यादा एकजुट हों और ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन एक बड़ा आंदोलन का रूप ले ले आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल, जैसे कि ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बड़ी संख्या में यूपी ट्रिपल एससी में लोग आवेदन करते हैं और नौकरी की उम्मीद करते हैं, और जब उनको निराशा हाल लगती है तो जाहिर सी बात है वो प्रदर्शन का ही सहारा लेंगे। जी चलिए, धन्यवाद फिलहाल आपका चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ने के लिए।